हेलो दोस्तों, मैं विकास। आप सभी का मेरे आरबीवी टेक्नो चैनल में स्वागत है। अगर आप हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल कर दें ताकि मेरा नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। आज मैं बताने वाला हूं आपको कि IRCTC के द्वारा अपना जनरल सीट कैसे कन्फर्म करते हैं। जी हाँ, जनरल सीट कन्फर्म कैसे करते हैं। आप IRCTC पर रजिस्टर हैं तो आप अपने मोबाइल में जो IRCTC का ऑफिशियल ऐप है उसको ओपन कर लेंगे। पिन करने के बाद कुछ इस तरह का आपका इंटरफेस आ जाएगा और यहाँ पर ओके कर देंगे। ओके करने के बाद यहाँ पर मोबाइल के टॉप पेज पर दाहिने साइड में लॉगिन बटन है, वहाँ पर क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पर चार अंकों का लॉगिन पिन होगा, यहाँ पर इंटर कर देंगे। इंटर करने के बाद यहाँ पर नीचे वाले में कैप्चा कोड डाल देंगे, सिक्योरिटी के लिए कैप्चा कोड दे देता है, तो यहाँ पर इंटर कर देंगे। इंटर करने के बाद आपको सिंपली यहाँ लॉगिन पर क्लिक कर देना है और क्लिक करने के बाद आपका कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। और आने के बाद आपको जो कुछ नहीं करना है, प्लान माई जर्नी पर क्लिक कर देना है। प्लान माई जर्नी पर इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको सेलेक्ट करना है कि किस स्टेशन से आपका कराना है और कहाँ तक जाना है, किस स्टेशन तक जाना है, इन दोनों में आपको सेलेक्ट कर देना है। और इन दोनों में सेलेक्ट करने के बाद आपको वो कोटा सेलेक्ट कर लेना है कि जनरल से कराना है या तत्काल से, तो जनरल यहाँ पर सेलेक्टेड रहेगा। और उसके बाद आपको फिर सेलेक्ट करना है कि आपको किस डेट का टिकट कराना है, तो यहाँ पर डेट अपना सेलेक्ट कर लेंगे। और सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर डेट देंगे और सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर सर्च ट्रेन पर क्लिक कर देंगे। सर्च ट्रेन पर क्लिक करने के बाद देखिए यहाँ पर आपको कौन से बोगी में कितना सीट अवेलेबल है। स्लीपर को जनरल बोगी कहते हैं, तो 29 सीट खाली है और 325 रुपये लगेंगे। तो यहाँ पर क्लिक करने के बाद सिंपली यहाँ पर आ जाएंगे पैसेंजर डिटेल पर। पैसेंजर डिटेल पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आई एग्री कर देंगे और आई एग्री करने के बाद फिर से यहाँ पर आपको ओके कर देना है। ओके कर देने के बाद फिर आपको अपना नाम इसमें ऐड करना है। यहाँ पर एड न्यू पर क्लिक करेंगे पैसेंजर का नाम भरने के लिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर ऊपर वाले में नाम डाल देंगे जिसका कंफर्म कराना है टिकट, इसमें नाम, फिर नाम के बाद नीचे वाले में एज, फिर अपना जेंडर सेलेक्ट कर लेंगे मेल, फिर यहाँ पर तो नेशनलिटी सिलेक्टेड रहेगा, फिर यहाँ पर बर्थ सेलेक्ट कर लेंगे। फिर चलिए नाम मैं कोई भी इसमें टाइप कर दे रहा हूँ आपको दिखाने के लिए। जेंडर सेलेक्ट कर लूँगा मेल, फिर नेशनलिटी यहाँ पर तो सिलेक्टेड रहेगा, प्रेफरेंस में नो, यहाँ पर जनरल के लिए कुछ सिलेक्ट नहीं करना रहेगा कोई भी बर्थ। तो फिर ऐड पैसेंजर पर क्लिक कर लेंगे नीचे, ऐड पैसेंजर पर क्लिक करने के बाद फिर आगे बढ़ेंगे। फिर यहाँ पर आपका ईमेल दिया रहेगा और मोबाइल नंबर, जिस मोबाइल नंबर से आपका रजिस्टर्ड होगा IRCTC, उस पर आपका मैसेज चला जाएगा टिकट का। फिर नीचे आएंगे तो नीचे आने के बाद आपको एड्रेस डालना है कि कहाँ का टिकट कराना है, इसमें एड्रेस डालेंगे, फिर उसके नीचे वाले में भी, फिर उसके नीचे वाले में भी, तो एक ही एड्रेस पहले वाले में ही डालकर छोड़ देंगे। फिर नीचे पहले वाली में डालने के बाद जैसे मैं डाल दे रहा हूँ, तो मैंने सेलेक्ट किया था वहाँ पर लुधियाना का कोई भी शहर यहाँ पर मैं सेलेक्ट कर दे रहा हूँ। तो यहाँ पर टाइप कर देंगे, मेरा हो जाएगा यहाँ पे ताजपुर। सेलेक्ट करने के बाद नीचे वाले नहीं भिजा लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। फिर सीधे आ जाएंगे पिन कोड पर, पिन कोड डालेंगे तो यहाँ पर ऑटोमेटिक आपका पूरा ले लेगा जो जो भरना है इसमें। यहाँ पर डालने के बाद फिर पे थ्रो क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड इस पर आप सिलेक्टेड रहेगा, क्लिक रहेगा। फिर आपको आना है नीचे, आप इंश्योरेंस कराना चाहते हैं या नहीं तो यस पर क्लिक कर देंगे। यस पर क्लिक करने के बाद फिर रिव्यू जर्नी डिटेल पर आकर क्लिक कर देंगे। फिर यहाँ पर क्लिक करने के बाद फिर आपका कुछ ऐसा डैशबोर्ड आ जाएगा। तो आने के बाद फिर नीचे आना है, नीचे आने के बाद फिर ये देखिए इसमें कैप्चा कोड डालना है, ये नीचे वाले में कैप्चा कोड इसमें डालना है, कैप्चा कोड यहाँ वहाँ ये कैप्चा कोड डालना है, इसमें डालना है, तो इसमें टाइप कर देंगे तो 52 बड़ा वाला H और फिर बड़ा वाला V डालने के बाद फिर
आगे बढ़ेंगे, यहाँ पर प्रोसेड टू पे पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर क्लिक करने के बाद यस कर देंगे। यस करने के बाद फिर आप यहाँ पर पेमेंट के लिए कोई भी गेटवे चूज कर सकते हैं, आपका कोई वॉलेट हो या फिर मल्टीपल पेमेंट ऑप्शन पर। मेरे तो मल्टीपल पेमेंट ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर क्लिक करने के बाद देखिए आपका पेमेंट गेटवे बहुत सारा आ जाएगा ऊपर, IRCTC, iPay, वीज़ा कार्ड। इसमें आप अभी फ़िलहाल में लॉन्च किया IRCTC अपना तेज पेमेंट के लिए फ़ोनपे को, तो फ़ोनपे पर सिंपली क्लिक कर देंगे। फ़ोनपे पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर आपका फ़ोनपे जिस नंबर से रजिस्टर रहेगा उस पर आपका OTP चला जाएगा। OTP डालने के बाद यहाँ पर लॉगिन कर देंगे। लॉगिन करने के बाद पेमेंट के लिए आगे बढ़ाएंगे, तो आपको यहाँ से कुछ नहीं करना है, यहाँ से सीधे कट कर देना है। कट करने के बाद आपको अपने फ़ोन के फ़ोनपे ऐप पर जाना है, और फ़ोनपे ऐप पर जैसे ही जाएंगे तो आपके स्क्रीन पर ही, फ़ोनपे के स्क्रीन पर ही नोटिफिकेशन आ जाएगा कि आपका पे करना है इतना रुपया। तो सिंपली आपको पे पर क्लिक कर देना है, और पे पर क्लिक कर देंगे, और पे पर क्लिक करने के बाद आपका पेमेंट हो जाएगा और टिकट भी कंफर्म बुक्ड हो जाएगा। थैंक यू दोस्तों मेरा वीडियो देखने के लिए। अगर मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले प्लीज़, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल कर दे ताकि मैं कोई भी वीडियो डालूं तो सबसे पहले आपको मिल जाए। धन्यवाद।